नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है। यहाँ थाना निजामाबाद पुलिस ने चोरी की 3 घटनाओं का सफल अनावरण किया है। चोरी की जेवरात व नकदी बरामद की है। बता दें तो पूर्व की घटना तो अवगत कराना है कि 21/7/2024 के बाद नी केवली देवी पत्नी स्वर्गीय गिरधारी निवासी गोरीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ रिश्तेदारी में गई थी कि 22/7/2024 को जब घर वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ था। अज्ञात चोर द्वारा घर में घुस कर रखे हुए नकदी रुपये व गहने की चोरी कर ली गई थी, जिसके संबंध में थाना आसानी पर 22/7/2024 का मुकदमा 351/24 धारा 331, 305, 324 वेनस ब्राम अज्ञात पंजीकृत किया। आमना इंटरनेशनल स्कूल चकिया हुसैनाबाद के प्रबंधक मोहम्मद मुअज्जम पुत्र हाजी शकील अहमद ग्राम चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने सूचना दिया था कि 21/22/7/2024 को रात को अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल या ऑफिस का ताला तोड़कर सीसीटीवी कैमरा सेटअप तथा 15,000 रुपये चुरा ले गए थे। इस संबंध में थाना स्थानीय पर 23/7/2024 का मुकदमा 353/2024 धारा 305 वेनस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। वैवादी लालमुनि यादव पुत्र समारोह निवासी दमरियावन थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के कबाड़ा की दुकान से 27/8/2024 की रात्रि की दुकान के अंदर 8,000 रुपया नगदी व कीमती कबाड़ चोर उठा ले गए थे, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 28/8/2024 को मुकदमा संख्या 417/24 धारा 305 वेनस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त शुभम राय स्वर्गीय टिल्टू राय निवासी तुलवल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ नासिर खान पुत्र तालिब निवासी बारी खास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। गिरफ्तारी की विरोध में आपको बता दें तो 9/9/2024 को अपने शिक्षक सुधीर पांडे अपने शिक्षक प्रमोद कुमार सिंह अहमदाबाद द्वारा मुकदमा प्रोसेस विवेचना में आए प्रकाश में आया अभियुक्त शुभम राय सनाफ स्वर्गीय टिल्टू राय निवासी तुलवल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ नासिर खान पुत्र तालिब निवासी बारी खास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को 3,000 रुपया नगद एक जोड़ा पायल सफेद धातु चार बिछिया सफ़ेद धातु के साथ दत्तात्रेय मंदिर के मोड़ के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय जेल भेजा गया है।